हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ की टॉप 5 हिंदी मूवीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितनी मूवी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारी की सारी हिंदी में डब है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और जितनी मूवी मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा और एक्शन से भरपूर है। और साथ ही दो मूवीज़ में आपको हॉरर का भी तड़का देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को मिस करना तो बिल्कुल नहीं बनता। साथ ही स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो आप हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मूवी को मिस कर दो। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, जो कि दोस्तों इस 5 मूवी से अलग होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं विजय की एक मूवी के बारे में, जो कि दोस्तों अभी तक हिंदी में नहीं आई है, लेकिन आपको वो हिंदी में कैसे देखना उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही मैं बताऊंगा कि आप उसे हिंदी में कैसे देख सकते हो, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इससे क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो इसी टाइप की ले आऊंगा ना, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। नंबर 5 की मूवी है दिया, जो कि दोस्तों एक तमिल लैंग्वेज की मूवी थी, और इसका जो जॉनर था वो था हॉरर और थ्रिलर का। और इस मूवी में आपको लीड रोल में देखने को मिलते हैं नागा शौर्य और साई पल्लवी। बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 out of 10। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी रेटिंग होती है, और इसमें 88% से भी ज्यादा गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया हुआ है। बात करें दोस्तों इस मूवी के प्लॉट की, तो प्लॉट में हमें देखने को मिलता है कि मतलब साई पल्लवी के बच्चे की जो हत्या होती है ना, उसके पेट में यानी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद से जो वो बच्चा होता है ना, मतलब वो पेट में ही होता है, उसको मार दिया जाता है। तो उसके बाद से उस बच्चे की जो आत्मा होती है, तो वो मतलब अपना बदला लेना शुरू करती है। और फिर वो किस तरह से अपना बदला लेती है, और उसके बीच में दोस्तों किस तरह से हॉरर का जॉनर क्रिएट होता है, और साथ ही कई सारे थ्रिल सीन्स भी हमको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये मूवी एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज देती है भ्रूण हत्या को लेके, तो ये एक बहुत ही कमाल की मूवी थी। दोस्तों इस मूवी को हिंदी में दिया नाम से रिलीज किया गया था, और ये दोस्तों बहुत ही कमाल की मूवी थी। लेकिन इसको जो यूट्यूब पर दोस्तों अभी ऑफिशियली अपलोड नहीं किया गया, अनऑफिशियली अपलोड है, तो ये कभी भी रिमूव हो सकती है। मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप इस वीडियो को जैसे ही देखते हो तो इस मूवी को जाके आप जरूर देख लेना। नंबर 4 की मूवी है डांडू पालिया 3, जो कि दोस्तों कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी थी, और ये 2018 में आई थी। और इससे पहले भी इस मूवी के 2 पार्ट बन चुके हैं, लेकिन जो मैं आपको मूवी बता रहा हूं ये 3रा पार्ट है। और इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया था बेखौफ अपराधी के नाम से, और ये B4U मूवीज के यूट्यूब चैनल पर हिंदी में अपलोड है, तो बेखौफ अपराधी नाम से इस मूवी को देख सकते हो। बात करें इस मूवी के बेसिक प्लॉट लाइन की, तो प्लॉट में दोस्तों हमें कुछ सीरियल किलर दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से लोगों का मर्डर करते हैं, और उन्हें किसी भी चीज़ का कोई अफसोस नहीं होता। और उसके बाद से दोस्तों कई सारे हमें ऐसे सीन्स भी देखने को मिलते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा हमें सरप्राइज करते हैं। और इस मूवी का जो प्लॉट है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने इस मूवी को इस लिस्ट में शामिल किया हुआ है। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग है, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 out of 10। कास्ट में हमें देखने को मिलते हैं पूजा गांधी, मरकंडेश पांडे और संजला गलरानी। दोस्तों ये मूवी बहुत ही कमाल की मूवी है, तो आप यूट्यूब पे बेखौफ अपराधी नाम से इस मूवी को जरूर देखना। नंबर 3 की मूवी है प्राणा, जो कि दोस्तों 2018 में आई एक मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर हॉरर और मिस्टीरियस मूवी थी। बात करें इस मूवी के कास्ट की, तो इसमें हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं डलकर सलमान, साथ ही नानी, और उनके साथ देखने को मिलते हैं नित्या मेनन। बात करें दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5 out of 10। बात करें दोस्तों इस मूवी के बेसिक प्लॉट लाइन की, तो प्लॉट में हमें देखने को मिलता है कि एक बुक होता है, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और वो आज की दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, और उसकी वजह से कास्ट के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो इस मूवी में देखने को मिलता है। और दोस्तों ये बहुत ही कमाल की मूवी थी, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। और वैसे मलयालम लैंग्वेज में दोस्तों जिस तरह की मूवीज़ बनती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय होती है। और इस मूवी को प्राणा नाम से हिंदी में भी रिलीज किया गया था, लेकिन दोस्तों अभी ये यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस मूवी को जल्द से जल्द देखने की कोशिश करना। नंबर 2 की मूवी नायगल जाकिर आता है, जो कि 2014 में आई एक थ्रिलर और कॉमेडी जॉनर की मूवी थी। और दोस्तों इस मूवी के लीड रोल में आपको देखने को मिलते शिवराज, अरुंधति, और उनके साथ भी कई सारे कास्ट आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 out of 10, और 88% से भी ज़्यादा गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया। तो अगर वहीं बात करें इस मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन, तो प्लॉट में देखने को मिलता है कि कार्तिक चिन्नामय नाम का एक आदमी, उसकी वाइफ गायब हो जाती है, उसके बाद से वो पुलिस में कंप्लेंट करता है, वहाँ पर भी उसकी कुछ खास हेल्प नहीं हो पाती, तो उसके बाद से वो एक ट्रेंड डॉगी की मदद लेता है अपनी वाइफ
वाइफ को ढूंढने के लिए जो कि किडनैप हो चुके हैं। तो उसके बाद से इस मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स और उसके साथ ही कई सारे थ्रिल सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मूवी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया था पुलिस और टाइगर नाम से, जो कि दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल है और इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नंबर वन की मूवी है हेलन, जो कि 2019 में एक मलयालम लैंग्वेज की सर्वाइवल और थ्रिलर मूवी थी। दोस्तों इस मूवी की जो कास्ट है उसमें आपको लीड रोल में देखने को मिलते हैं एन्नाबेल, लाल, विनीत और उनके साथ देखने को मिलेंगे नोबेल बाबू और भी कई सारे कास्ट आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। बात करें इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.7 और 90% से भी ज्यादा गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लॉट की, तो प्लॉट में हमें देखने को मिलता है कि एक हेलन नाम के लड़के जो कि दोस्तों अपनी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ पैसों की कमी की वजह से पार्ट टाइम जॉब करते एक मॉल में और उसी के साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करती है। और उसके फादर दोस्तों एक एलआईसी एजेंट होते हैं और उसके बाद से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब रिलेशनशिप होता है फादर और डॉटर का। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक से जो हेलन होती है वो गायब हो जाती है। तो वो मतलब वो कैसे गायब हो गई, उसके बाद उसके साथ क्या होता है, वो इस मूवी में देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों मैंने इसका रिव्यू भी अपलोड किया था, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हो इस मूवी का। वैसे ये बहुत ही कमाल की मूवी है, लेकिन दोस्तों ये अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन आप इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो अमेजॉन प्राइम पे। और साथ ही अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ आपने, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको इस मूवी का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको विजय की मूवी के बारे में एक अपडेट देने वाला हूँ, तो वो अपडेट ये है कि दोस्तों बिगिल मूवी आई थी विजय की, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी थी, लेकिन दोस्तों इसको अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी सबटाइटल के साथ इस मूवी को HD में रिलीज किया गया। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैंने इसका लिंक दे दिया, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का लिंक, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप इस मूवी को डाउनलोड करके देख सकते हो, जो कि दोस्तों HD में हिंदी सबटाइटल के साथ है। तो आप अगर इसका लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो सबटाइटल पढ़ के इस मूवी को तो देख ही सकते हो। तो यही थी कुछ अपडेट। और साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी देना चाहते हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके उन्हें शेयर भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो दोस्तों आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।